ताजनगरी आगरा में सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी संस्था के सदस्यों द्वारा भविष्य में जल की कमी को लेकर होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। संस्था के सदस्यों द्वारा जल संरक्षण के लिए और लोगों में पानी के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक लघु फिल्म जल का लोकार्पण 12 मई को किया जाएगा। इसको लेकर संस्था के सदस्यों ने दिनांक 9 मई को प्रेस वार्ता कर पोस्टर विमोचन किया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर टीवी शर्मा ने बताया कि सभी जीवधारियों का शरीर जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश तत्व से बनता है, फलता है और फूलता है। इसमें सबसे सीमित उपलब्धता वाला संसाधन है जल। उसमें भी पेयजल तो बहुत ही सीमित है, अतः जल के बुद्धि युक्त उपयोग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा लघु फिल्म के डायरेक्टर सूरज तिवारी ने कहा कि जल के दुरुपयोग को रोकना और भविष्य के लिए जल संसाधनों के भंडारणों की समृद्ध व्यवस्था करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी विषय पर जन जागरूकता के लिए संस्था द्वारा बनाई गई लघु फिल्म जल लोगों को जागरूक करेगी। जैसा आप जानते हैं कि जल की नितांत कमी होती जा रही है, भूगर्भ जल नीचे जा रहा है, और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि पानी जो पीने योग्य है वैसे ही कम है और उसका अपव्यय भी हो रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि हम कम से कम पानी को जो ज़रूरत है उसमें ही इस्तेमाल करें, उसका अपव्यय न होने, और जागृत करने के लिए स्पेशली हम यहाँ से मुहिम उठा रहे हैं। उसमें 12 तारीख को ये तिवारी जी ने वो एक फिल्म बनाई है, उसका विमोचन जल पुरुष ये राजेंद्र जी करेंगे, जिससे कि हम जनता को, बच्चों को, सबको जागृत करना चाहते हैं कि कम से कम जल का अपव्यय, मतलब व्यय हो, और जिससे कि हम जो है वो अपने को आगे के जिस तरह से देश में चुनौती जल की बढ़ती जा रही है उससे हम जूझ पाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, उसमें काफ़ी मात्रा, उसको भी हम लोग अपने गार्डन में, उसमें जो वेस्ट पानी जा रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी इस्तेमाल उसको भी किया जाना चाहिए। और जो आरओ का पानी है उसको भी कुछ लोग तो नहाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो है वो पूरी बोतल ली, दो घूंट पिया और फेंक दी, तो वो ये भी ना हो। संस्था के माध्यम से जितने बड़े-बड़े आरओ प्लांट लगे हैं, आरओ प्लांट का जो पानी है वो हमारे इरिगेशन सिस्टम के लिए, घर में ही जो प्लांट लगे हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सब चीज़ें चूंकि फिल्म हमारी बहुत छोटी है, 15 मिनट की है, तो उसके बाद हम जब उनके साथ संवाद करेंगे उसमें इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। मेरा नाम सूरज तिवारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, वो पानी के लिए यानी कि जल के लिए नहीं है, स्वयं के जीवन के लिए और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके जीवन के लिए है, ताकि वो ये बात ना कहें कि हमारे जो पुराने पूर्वज थे या हमारे लोग थे उन्होंने इसके लिए कुछ काम नहीं किया, कि हम जल का जो जैसे पंच तत्व की बात करी आपने तो वो शेष रहे, जैसा आंकड़े सबने बता दिए हैं। द्विवेदी जी से जब इस विषय पर बात हुई, चूँकि विषय नया नहीं था लेकिन तथ्य उनके बहुत नए थे, उनकी जो रिसर्च वर्क थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, तो मुझे आकर्षित किया कि मैं हम लोग इस पर एक शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाएं। इसमें हमने जो आवाज़, जो वॉइस ओवर होता है वो यूज़ करी है, वो समय ठक्कर हैं, मुंबई के बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने, जिनकी आवाज़ को आपने बाहुबली में सुना होगा, RRRR में सुना होगा और ऐसी कई सारी हल्क वल्क तरह की मूवीज उनमें सुना होगा। सिंपल जो सारे लोग कह रहे हैं कि हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, भाई जल जो पीने योग्य जल है वो कितना कम बचाए, हम इसका उपयोग कैसे करें, दुरुपयोग ना करें, हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जल का प्रयोग कम से कम करें। जब मुझे तो उनके जीवन के बारे में खुद पता चला कि ये 3 से 4 लीटर पानी में ही मात्र नहाते हैं, अपने हाथ से आज स्वयं कपड़े धोते हैं इस आधुनिक युग में, तो वो जब एक इंसान इतना काम कर सकता है तो हम उनके जीवन से कुछ सीख लेकर हम भी अपने जो हमारे पास जल का स्रोत कम है उसका उपयोग हम भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो जल आगे बढ़ सके, दे सकें हम उसको। शॉर्ट फिल्म के अलावा हम अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं ना, जो हमने सीखा है इसको बनाते समय, जितनी उपयोगिता कि हमको पानी कितना लेना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कितना वेस्ट नहीं करना है, हम होटल्स में जाते हैं वो 2 गिलास पानी हमारे सामने रख देता है, हमें उसे बताने कि भाई एक ही से काम हो जाएगा,
या जैसे कहा शेविंग करते समय में क्या उपयोग करना है, भैंस को नहलाते समय हम उसको पूरा प्रेशर डाल के कर देते हैं, नाली में पानी जा रहा है खोल देते हैं, तो ये तरह तरह की बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है और हमें ये ध्यान ये जागरूकता समाज को भी फैलानी है ताकि वो भी इस पर अमल करें। और जिस प्रयास में आप लगे हुए हैं सुस्ती वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, ये जन जागरूकता का अभियान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे ताकि लोगों को इसका महत्व पता चले। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।